सो है गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसबी टेक्निकल पे। तो आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड वॉर गेम में सही तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वर्ल्ड वॉर गेम कैसे खेलना चाहिए, आप लोग कंटिन्यू कैसे विन कर सकते हो वर्ल्ड वॉर गेम खेल के, आप लोग को रिस्क कैसे लेना चाहिए। पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना है गाइज, क्योंकि मैं डेली आप लोग को ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ और डेली मैं आप लोग को गिवे देता हूँ। और इस वीडियो में मेरा पूरा 100 रुपीज़ का गिवे है जो कि आप लोग को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है आप लोगों को, उसके बाद आप लोग को वीडियो के एंड तक देखना है, लास्ट में आप लोग को एक बेस्ट कमेंट कर देना है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का है, जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और देख सकते हो गाइस, यहाँ पर अभी देख सकते हो 35 रुपये का गेम आ चुका है जो कि मैच 3D का गेम है, सॉरी ये वाला कैंडी मैच का गेम है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें मैं अभी एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पर मैंने रिस्क ले लिया और रिस्क लेकर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग टोटल प्लेयर में डिफरेंस देख सकते हो गाइस। यहाँ पर मेरा टोटल प्लेयर है 75 का, उन लोगों का 150 का। तो अभी तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कितना हो चुका है, अभी देख सकते हो यहाँ पर पूरा 50% का डिफरेंस है और मेरा यहाँ पर विन हो चुका है 91 रुपीज़। और 35 रुपये का गेम था, आप लोग को भी पता है 35 रुपये के गेम में अगर 91 रुपीज़ मिला तो मतलब 3 गुना गाइस प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग का हो चुका है, लगभग 3 गुना के लगभग मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, डबल से बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट। देख सो तो कोहली को मैंने सेलेक्ट किया था और मेरा डिफरेंस कितना है आप लोग यहाँ पर देख सो तो 100 टोटल प्लेयर का। तो गेम जो है गाइज, वर्ल्ड वॉर का गेम कई बार क्या होता है कि चेंज होते रहता है, क्योंकि गाइज ट्रिक जो है गाइज कुछ दिन बाद वर्क नहीं करता, इसलिए न्यू ट्रिक आते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग ऐसे ट्रिक्स को वर्क करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो, बस आप लोग को एक दो चीज़ ध्यान में देख कर खेलना है। अभी तो डिफरेंस यहाँ पर 100 टोटल प्लेयर का है, पर क्या होता है जब मैंने एंटर किया था इसमें तो मेरा यहाँ पर 20 या 30 टोटल प्लेयर का डिफरेंस था और दोनों तरफ 50, एक साइड में 50 से ज़्यादा था, एक साइड में 50 से कम था, मतलब यहाँ पर 20 या 30 टोटल प्लेयर का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस था। इसलिए मैंने यहाँ पर गाइस फिर भी रिस्क ले लिया था और मेरा यहाँ पर विन हो गया है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे खेलना चाहिए, सही तरीका क्या होता है। तो चलिए देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पर एंटर कर चुका 35 रुपये और एक गेम में। यहाँ पर मैं गाइस सेव कार्ड को सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर मैंने सेव कार्ड को क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा का है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 300 का टोटल प्लेयर मेरा है, उन लोगों का कितना है गाइज 100 का, तो यहाँ पर डिफरेंस पूरा 200 टोटल प्लेयर का है और मेरे पहले गेम में कितना था 100 टोटल प्लेयर। तो यहाँ पर तो गाइज हम लोग का विन हो चुका है। यहाँ पर मेरा 35 रुपये के गेम में गाइज मुझे यहाँ पर कितना मिला 41 रुपये। तो मैंने जैसे यहाँ पर विन किया है, तो आप लोग को भी कई कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग रिक्स ले लेते हो हर गेम, क्या ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग को रिक्स हर बार नहीं लेना है। आप लोग को क्या करना होगा, जब आप लोग का कार्ड शो होगा तो आप लोग को कुछ देर रुकना है और आप लोग को देखना है कि आप लोग को टोटल प्लेयर में डिफरेंस कितना है। ऐसे ही नहीं कि आप लोग को सब कुछ देखकर आप लोग को रिस्क लेना है, नहीं तो आप लोग क्या कर देते हो, ऐसे ही कार्ड पर को सिलेक्ट कर ले तो कोई आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पर तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा का है और इसलिए मैंने यहाँ पर सेव कार्ड को सिलेक्ट करके विन कर लिया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, माइंड रनर का गेम है जो भी गाइज, यहाँ पर देख सकते हो 35 रुपीज़ का गेम है। इस गेम में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन सा ऐसा गलती हो जो कि बार बार आप लोग कर देते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर गाइज मैं सेव कार्ड को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें यहाँ पर देख सकते हो 100 टोटल प्लेयर का डिफरेंस यहाँ पर उससे भी ज़्यादा का है। अभी देख सकते हो 150 टोटल प्लेयर का डिफरेंस हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेव कार्ड को सेलेक्ट किया है। मेरा यहाँ पर देख सकते हो विन हो चुका है। मैंने यहाँ पर 2 गेम सेव खेला है, पहला गेम मैंने रिस्क गेम प्ले करके विन किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। तो गाइज सेव खेलने से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रिस्क लेने का सही तरीका बताओ। तो रिस्क लेने का एक सही तरीका यही है कि जब आप लोग कार्ड जब आप लोग का शो होता है गाइज, तो आप लोग को अगर डिफरेंस काफ़ी कम का हो तो तभी आप लोग को रिस्क लेना है, नहीं तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, तब तो आप लोग को सेव कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने 2 गेम खेला है सेव, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर तो अभी 200 टोटल प्लेयर का डिफरेंस हो चुका है। तो 200 टोटल प्लेयर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस होता है, ऐसे टाइम पे तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप लोग को सेव कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो देख सकते हो तो 35 रुपये का स्नेक रस का गेम मैं अभी एंटर करने वाला हूँ और देख सकते हो कर चुका हूँ मैं। और यहाँ पर गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने गाइज एक टोटल प्लेयर जिसका ज़्यादा था, मतलब एक साइड में था 95 का, एक साइड में था 94 का, तो यहाँ पर मैंने 95 को क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो गाइज और मेरा यहाँ पर विन भी हो चुका है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मेरा देख सकते हो विन भी हो चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक टोटल प्लेयर का डिफरेंस है, यहाँ पर तो रिस्क कार्ड विन हो जाएगा, तो ऐसा आप लोग को नहीं देखना है। जब एक दो टोटल प्लेयर का डिफरेंस का बात आता है, मान लीजिए गाइज कि टोटल प्लेयर में डिफरेंस है 5 टोटल प्लेयर का, तो जब भी 5 टोटल प्लेयर का डिफरेंस होगा तब आप लोग को क्या करना है, मतलब
तीन टोटल प्लेयर का अगर आप लोगों को डिफरेंस होता है दोनों तरफ में, तो टोटल प्लेयर में तीन टोटल प्लेयर का डिफरेंस है, तो आप लोग को सेव गार्ड को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे सेव गार्ड ही विन करेगा चाहे जो हो जाए। देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स विन कर लिया है, और जैसे मैंने बता दिया था उस गेम का ट्रिक, तो उस गेम में भी आप लोग को ऐसे ही खेलना है, कई कई बार ऐसा भी होता है डिफेंस काफ़ी कम। देख सकते हो गाइस इस गेम में मैं क्या करने वाला हूँ, इस गेम में मैं रिस्क लेने वाला हूँ क्योंकि इसमें 16 टोटल प्लेयर का डिफरेंस है, और जैसे मैंने बताया है मैं आप लोग को बता दूँ कि कितना का डिफरेंस में आप लोग को रिस्क लेना चाहिए, और कितना का डिफरेंस अगर उससे ज़्यादा जाता है तो आप लोग को सेव गार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें भी मैंने विन कर लिया आप लोग देख सकते हो रिक्स लेकर, और दोनों तरफ गाइस देख सकते हो 200-200 का टोटल प्लेयर हो चुका है, इसलिए मुझे पैसा ज़्यादा तो नहीं मिला है, डबल भी नहीं मिला है। सो गाइस जब भी आप लोग गेम खेलोगे तो जब आप लोग का कार्ड शो होगा तो आप लोग को टोटल प्लेयर में कम से कम आप लोग का गाइस कितना रहना चाहिए डिफरेंस, आप लोग को कम से कम 60 या 70 टोटल प्लेयर का डिफरेंस रहना चाहिए। ये वाला गेम जो कि है 35 रुपीज़ का गेम है, और 35 रुपीज़ के गेम में कम से कम आप लोग को कितना का डिफरेंस रहना चाहिए मैं आप लोग को बता मैंने आप लोग को बता दिया है कि 60 या 70 टोटल प्लेयर का डिफरेंस में आप लोग को रिस्क लेना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है तो आप लोग को गाइस रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस आप लोगों को, मैंने अभी बोला है 60 या 70, कई कई गेम में क्या होता है 40 या 50 लोग रहते हैं गाइज, एक गेम एक साइड में 40 एक साइड में 50, तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को सिंपली करना क्या होगा गाइज, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक गेम में एंटर किया है, और यहाँ पर देख सकते हो गाइज यहाँ पर तो डिफरेंस गाइज काफ़ी, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने बोला 60 या 70 का, तो यहाँ पर तो था 50 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर इजीली गाइज क्या क्या है रिस्क ले लिया है, और रिस्क लेकर मुझे यहाँ पर देख सकते हो कितना मिला है 35 रुपये का 80 रुपये, डबल से भी 10 रुपये का ज़्यादा का फायदा। देख सकते हो गाइज यहाँ पर मेरा विन हो चुका है 81 रुपीज़ तक मेरा यहाँ पर विन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रिस्क ले लिया है, ऐसे टाइम पे तो आप लोग को रिस्क लेना ही चाहिए। अगर आप लोग को 70 टोटल प्लेयर के अंदर में, मतलब 10 टोटल, मतलब गाइज आप लोग को एक टोटल प्लेयर से 70 टोटल प्लेयर के अंदर में अगर आप लोग को कहीं भी अगर आप लोग को डिफरेंस मिले कि उतना डिफरेंस है तो आप लोग को रिस्क लेना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लोग को खेलना है, तभी आप लोग को गाइज कंटिन्यू विन होगा, नहीं तो आप लोग का बीच बीच में बहुत बार लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो गाइज उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। तो गाइज जैसे मैंने बताया ऐसे आप लोग को खेलना है, इससे होगा क्या, ऐसे ही अगर आप लोग खेलोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा विन हो जाएगा गाइज। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट करके रखते हो तो ऐसे टिक्स आप लोग को डेली सबसे पहले मिलेंगे, और आप लोग को गाइज अगर डेली गिवे चाहिए 100-150 रुपीज़ का तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लो, मैं डेली आप लोग को गिवे देता हूँ। और इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है 100 रुपीज़ का गिवे, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि आप लोग को एक बेस्ट कमेंट कर देना है, जाकर कर दो गाइज। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाना है, इसे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।